परवर्ती खबर को आसवा ब्रह्मपुर तपस्विनी और सुमित पारिवारिक मामलें नुआ ट्विस्ट भिडियो जारी कर दुख प्रकाश कले सुमित बापा प्रमोद साहू मध्यरात्रि रे घर छाड़ी पड़ाई गले प्रमोद साहू तपस्विनी घरे रही निजक सुरक्षित मन करूना प्रमोद को अनिच्छा सत्वे तपस्विनी को घर मध्य रखाई कोर्ट को राय में द्वंद्व रही बेले एने निजर मत रखा दि जा बाध्यबाधकत से तपस्विनी को घरे प्रवेश देले बोली एक भिडे कि चापर वशवर्ती तपस्विनी को सुमित घरे प्रवेश गतका दीर्घ घंटार टणाउटरा पर तपस्विनी खोलला शशुर घर ताला ब्रह्मपुर ब्रह्मानगर स्थित शशुर घर भरकू प्रवेश करते तपस्विनी प्रशासनिक अधिकारी मैंने मोर अनिच्छा सत्वे मो घरे पुरे रखिदेले कहीं कोर्टर राय रे किसी कन्फ्यूजन थिला से किसी क्लारिफिकेशन नबार थिला जोटा कि मुझे बुझे चेष्टा करथिली तथापि से माने सेटा को ग्रहण कले आउ किसी चापर वशवृत्ति होई मोर संपूर्ण इच्छा विरुद्ध रे से माने मो बहु को मोर ब्रह्मानगर स्थित बासभवन भितर रखिदेले जोद्वारा कि मुझक सुरक्षा मन कली ना नक मु आईआईसी को भी अनुरोध कली जे मोर घर आसी तदारख कर मत गोटे सुरक्षित व्यवस्थित भितर रखतु कारण अतीतर मोर बहु मो ना मो पर ना फल्स एलिगेसन लगे 498 केस देते जोद्वारा कि मुझे अत्यंत भयभीत हो घरे रही सुरक्षा मन कली आती घर छाड़ी की पलि आसी जगार रही परवर्त समय घर को फेर सुमित तपस्विनी बिवाद मामलें नुआ मोड़ बहु घर को प्रवेश कलापर घर छाड़े शशुर ए संपर्क में अधिक सूचना कैलाश बेहरा ब्रह्मपुर जोड़ी होती प्रतिनिधि कैलाश मसाधिक काल धारणा कोर्टे आईनगत लड़े पर गत रात तपस्विनी जितेबाड़ शशुर घरे प्रवेश कले हेले बहु घरे पशु बसु राति अधरे घर छाड़ी पलि शशुर प्रमोद साहू पुणी थे देखा कि सुमित तपस्विनी पारिवारिक बिवाद मामलें नुआ ट्विस्ट सामना को आसी कहीं निजक असुरक्षित मन कर तपस्विनी शशुर एवं निश्चित भाव में भिडियो बार्ता जारी कर देखो निहत स्वागतिका जेहेतु जिला कोर्टर दौरा जज कोर्टर जेहेतु गत 4 तारीख राय शुणाइले से राय शुणा पर जिला जो रही जिला प्रशासन वरिष्ठ अधिकारी माने एवं जिला पुलिस अधिकारी माने पहुंची थे दुई दिन धरी कसरत चलता कि भाव तपस्विनी को सुमित घर भितर को पशे या सहित एने समस्त प्रकार पदक्षेप निया कि देखिए गत काली बहु बाद बिवाद पर वकिलों जुक्ति तर्क पर जहाँकि रही मजिस्ट्रेट जो रही सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रे तपस्विनी सुमित घर मध्य को प्रवेश करते किंतु एम नुआ एक ट्विस्ट देखा मिली जेहेतु गत काली विलंबित रात सुमित जी बापा रही प्रमोद साहू से घर को आड़े चल जाइए चल जापर मैं एक वीडियो बार्ता जहाँकि देखते वीडियो बार्ता माध्यम निजर दुख प्रकाश कर अनिच्छा सत्वे तपस्विनी को सुमित घर मध्य को प्रवेश करेतु कोर्ट गोटे पटे राय जो रही है से राय किसी द्वंद्व रही है और से द्वंद्वर समाधान निम्ते कौन प्रकार मत रखा निम्ते सुमित बापा को प्रमोद साहू को कौन प्रकार मिल ना समय सीमा और यह दृष्टि रखी से अनिच्छा प्रकाश करते से निजक असुरक्षित मन करते कारण तपस्विनी पूर्व सुमित पर प्रमोद साहू अनेक आक्षेप करव जिला कोर्ट में द्वारस्थ होती एस डी जेम कोर्ट में पिटन दाखल करे पुणी थे जदि तपस्विनी सुमित घर रे अगर कौन प्रकार डिस्टर्ब स्केट करे दृष्टि रखी से भयभीत होते भयभीत होगा सहित बैद्यनाथपुर थाना पुलिस को लिखित भाव अभियोग जन तथा कौन समाधान हो पारानी जहाँफल सुमित बापा प्रमोद साहू बाध्य जहाँकि निजर घर छाड़ा निम्ते गत काली विलंबित रात कौ आड़े चल जाइए परवर्त समय पुणी घर को फेरबी बोली कहते कि तथा जेहेतु गोटे पटे आशा रखा जाइए कोर्टर राय पर तपस्विनी निजर स्वामी घर को जाते आशा रख
ରଖାଯାଉଥିଲେ ଏହି ତପସ୍ୱିନୀ ଏବଂ ସୁମିତ ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବା କଥା ଅଲରେଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ପଟେ ବାପା ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଫେରି ଆସୁନି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯାହାକି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଗତକାଲି ସୁମିତଙ୍କ ଯେଉଁ ଓକିଲ ରହିଛନ୍ତି ସେହି ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏକ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ପିଟିସନ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଦାଖଲ କରିବେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ୁନଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ସୁମିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଯେ ତପସ୍ୱିନୀ କେବଳ ସୁମିତଙ୍କ ଘରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଘର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟର ରାୟରେ ଶୁଣାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଆଜି ଏକ ଯାହାକି SDGM ହେଉ ଅଥବା ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବେ ସୁମିତଙ୍କ ଛୁଟି ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଗତକାଲିଠାରୁ ଶେଷ ହୋଇଛି 6 ତାରିଖ ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ 7 ତାରିଖ ରହିଛି ଆଜି ନିଜର ମେଡିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ସେ ମେଡିକାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନିଜ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛୁଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସୁମିତଙ୍କ ଯିଏ ବାପା ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ, ସେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ କଳାସ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।